घोटाले में भाजपा के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सरगुजा जिले के धौलपुर थाने में भी पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के अलावा राजनांदगांव के मेयर मधुसूदन यादव, पूर्व मेयर नरेश डाकलिया सहित 20 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अदालत के आदेश पर इसके पहले भी उक्त सभी लोगों के खिलाफ सरगुजा जिले के कोतवाली, अंबिकापुर थाने के अलावा लुंडा और दरीबा थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा चुका है। अभी तक सरगुजा जिले में उक्त आरोपियों के खिलाफ कुल 4 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे स्वास्थ्य संवाददाता शैलेंद्र पाठक से। शैलेंद्र, अभिषेक के साथ अन्य 4 लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है, क्या लगता है कितनी और मुश्किलें अभिषेक सिंह की यहाँ पे बढ़ती नजर आ रही हैं? चीट फंड कंपनी का मामला जो है वो अभिषेक सिंह के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इस मामले में जो हाईकोर्ट और निचली अदालतों ने जो FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं वो है ही है। हाईकोर्ट से भी इस मामले में जो है कार्रवाई नहीं होने के कारण कई जगह और FIR के जो आदेश हुए हैं उस पर कार्रवाई नहीं होने के कारण जो निवेशक हैं, जो पीड़ित हैं, उन लोगों ने पिटीशन फाइल की है। और इस जो FIR था जिसके खिलाफ अभिषेक सिंह ने उनको निरस्त करने के लिए उसको सुनने के जो FIR है उसको चुनौती दी है, तो ये मामले की सुनवाई आज इसमें हाईकोर्ट में भी थी। इसमें पूर्व में ये मामला 5 तारीख को लगा था, लेकिन जो हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब की थी इसमें और शासन से जवाब मांगा था इसमें, उसके बाद आज ये 8 तारीख को जो 40 और 39 और पिटीशन लगी थी इसी मामले में, जिसमें जो मामला दर्ज नहीं कर रहे हैं जो विभिन्न प्रदेश के विभिन्न जिलों में सुकमा से लेकर के दंतेवाड़ा से लेकर के दुर्ग से लेकर के तमाम प्रदेश भर में ऐसे कई जगह जहाँ पुलिस मामला दर्ज नहीं की, इसको लेकर के जो एक पिटीशन लगी उसकी सारी 39 से ज्यादा पिटीशन थी इसमें सुनवाई हुई है और मामला जो है 22 तारीख के लिए पढ़ लिया है, क्योंकि आज महाधिवक्ता उपस्थित नहीं हो पाया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माँ का देहावसान हो गया था तो वो मौजूद नहीं हो पाया, कोर्ट में उपस्थित नहीं है, जिसकी वजह से शासन की ओर से जवाब देने के लिए समय ले लिया गया। तो मामले की सुनवाई 22 तारीख की होगी और अभी जो साफ तौर पर ये सुनवाई बढ़ी है इसका मतलब साफ है अभिषेक सिंह जो राहत की उम्मीद कर रहे थे, जो FIR को निरस्त करने की मांग कर रहे थे और वो सोच रहे थे कहीं कहीं जो उनकी मांग थी हाईकोर्ट से अपनी पिटीशन में जो मांग की थी उन्होंने कि इसको निरस्त किया जाए, तो वो राहत कम से कम उनको अभी नहीं मिली है, मुश्किल अभी बरकरार है। 22 तारीख को भी सारे मामले के जो सुनवाई है और उसके बाद ही जो है कुछ साफ हो पाएगा क्या होता है किस तरीके, क्योंकि अभी इस मामले में केस डायरी की भी आना बाकी है जो लास्ट टाइम 5 तारीख को हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान शासन की। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। हिंदी साहित्य परिषद